Assalamualaikum. इंटरमीडिएट के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 की डेट शीट्स का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ बोर्ड्स मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ टाइम स्केड्यूल के मुताबिक डेट शीट्स जारी करते चले जा रहे हैं। एक और बोर्ड की तरफ से डेट शीट जारी की गई है। कौन सा बोर्ड है, कब आपके पेपर्स स्टार्ट हैं, मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैंने बड़े दिनों से नहीं बताई, आज बड़े दिनों बाद करने लगा हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे वीडियोस देखने वालों की काफ़ी तादाद है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियोस देखते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। YouTube के एनालिटिक्स में एक एक चीज़ नज़र आती है, कितने लोगों ने देखा, कहाँ से देखा, किस एरिया से देखा और कौन सी एज के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करते हैं, आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए हम ये जसारत करते हैं आपको कहने की कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम सही इन्फॉर्मेशन ना देते तो आपको कभी भी सब्सक्राइब करने की ऑप्शन या आपको सब्सक्राइब करने का नहीं कहते। सो पॉइंट की तरफ आता हूँ, इंटरमीडिएट के जो इम्तहान हैं, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2023 का जो पहला पेपर है वो 25 को है। जी हाँ, 25 को पहला पेपर आपका होगा। अब मॉर्निंग के जो पेपर है, 8:30 बजे मॉर्निंग का टाइम है, गर्मी की वजह से टाइम थोड़ा जल्दी रखा गया। आमतौर पे 9 या 9:30 बजे होता था, लेकिन अब 8:30 बजे रखा गया है, तो आपको सेंटर में 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए या 7:30 या 7:30 तक आप सेंटर पहुंच जाए, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इवनिंग टाइम का जो पेपर होगा वो इंशाल्लाह ताला 1:30 बजे शुरू होगा, तो आपको सेंटर में 1:00 या 1:45 तक पहुंच जाना चाहिए। पहला पेपर 25 को है, सैटरडे को मॉर्निंग में है, साइकोलॉजी का है, इवनिंग में कोई पेपर नहीं है। उसके बाद 22/5 को जो दूसरा पेपर है वो इंग्लिश कंपल्सरी का है, मॉर्निंग में, और इवनिंग में भी इंग्लिश का पेपर रखा गया ग्रुप सेकंड में। उसके साथ साथ फिर 23/23 को मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स का है और सेकंड टाइम इवनिंग में सोशियोलॉजी का पेपर रखा गया, और 24/24 को मॉर्निंग में कंप्यूटर साइंस और इवनिंग में कोई पेपर नहीं रखा गया। 25/25 को मॉर्निंग में केमिस्ट्री और लाइब्रेरी साइंस रखा गया, जबकि इवनिंग में केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स का पेपर रखा गया है। इसी तरह 26/26 को मॉर्निंग में सिविक्स है, इवनिंग में फिलॉसफी है या फिर बैंकिंग या फिर कंप्यूटर स्टडीज़ का पेपर रखा गया है। 27/27 को मॉर्निंग में बायो का है, इवनिंग में मैथमेटिक्स का पेपर रखा गया। 29 को मॉर्निंग में फिजिक्स और एजुकेशन का है, इवनिंग में फिजिक्स और कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर रखा गया। उसके बाद 30/30 को हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या हिस्ट्री ऑफ इस्लाम या फिर हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया और इवनिंग में ज्योग्राफी का पेपर रखा गया है। 31/5 को मॉर्निंग में उर्दू का है और पाकिस्तानी कल्चर का है, इवनिंग में उर्दू सेकंड ग्रुप में रखा गया है। उसके बाद 1/6 को यानी कि 1/6 छठा महीना मॉर्निंग में इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, इवनिंग में इस्लामिक स्टडीज़ और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पेपर रखा गया है। उसके बाद 2/6 को मॉर्निंग में पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है, जी हाँ, और पाकिस्तान स्टडीज़ ग्रुप फर्स्ट का पेपर रखा गया, ओल्ड सिलेबस का भी है, न्यू सिलेबस का भी है, जबकि इवनिंग में पाकिस्तान स्टडीज़ का सेकंड ग्रुप का पेपर रखा गया है। आखिरी जो पेपर है 3/6 को है, मॉर्निंग में उर्दू या अरेबिक या फिर पर्शियन यानी कि फारसी का पेपर है, इवनिंग में बिजनेस स्टैटिस्टिक का पेपर रखा गया और साथ में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर रखा गया है। इस डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो डेट शीट है ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड स्कैंड एजुकेशन आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड की डेट शीट है, ये पार्ट सेकेंड की डेट शीट है, पार्ट फर्स्ट की यानी कि 11th की अभी तक डेट शीट नहीं जारी की गई। आमतौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड की जो डेट शीट होती है वो पंजाब के साथ होती है, पंजाब बोर्ड्स ने पार्ट फर्स्ट की डेट शीट जारी कर दी है, तो आप पार्ट फर्स्ट की डेट शीट पंजाब बोर्ड की देख सकते हैं, अदरवाइज एजेके बोर्ड भी पार्ट फर्स्ट की डेट शीट बहुत जल्द जारी कर देगा। सो आपसे गुजारिश है डाउनलोड करने के लिए लिंक नीचे दिया हुआ उस पर क्लिक करें। अगर कोई क्वेश्चन है सो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को अपनी डेट शीट का इंतजार है वो वक्त पर अपनी डेट शीट डाउनलोड करके उसके मुताबिक तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।